Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari. नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अमेश श्रीवास्तव। देखिए, विपक्ष का आरोप है कि अगर बीजेपी 400 सीटें लाएगी तो संविधान बदल देगी। आरोप भी लगते हैं। राजस्थान के कई बड़े नेता सचिन पायलट, अशोक गहलोत खुलकर खुले मन से इस बात का आरोप लगाते हैं। लेकिन इसी राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अंबेडकर साहब भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदला जा सकता है। लेकिन वो क्या समीकरण है, वो कौन लोग हैं और कहां से ये संविधान बदलने की जो एक हवा बीजेपी की तरफ से ही उठ रही है, उसमें ताज़ा नाम जो जुड़ा है वो है प्रदेश की जो उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी। उन्होंने ANI को एक बयान में अपना बयान में दिए हुए बयान में उन्होंने कहा, नहीं वो तो चेंजेस जो भी आएंगे आएंगे, पहले भी तो आए, 370 भी तो हमने किया क्योंकि हमारी मेजोरिटी थी। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस आगे भी लेने हैं ना, लेने हैं बिल्कुल, और उसके लिए जरूरी है कि हमारी मेजोरिटी होनी चाहिए। और ये सारी डिसीजंस जो है ये हमारे देश को एक विकसित भारत बनाने की ओर ले जाने की ही डिसीजंस है और बहुत जरूरी डिसीजंस है। हम लोग चाहते हैं हमारा देश एक मजबूत देश बने, एक आत्मनिर्भर देश बने, एक डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में आए। अभी हम लोग उसमें नहीं थे 10 साल पहले, अब धीरे धीरे आने लगे हैं। अगर हम चाहते हैं कि विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग हमारे जो पुराने कानून थे, पुरानी बहुत सारी चीजें हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है, जो कि मोदी जी करेंगे। कि 400 प्लस सीटें और संविधान बदलने के जो उन्होंने समीकरण समझाएं, वो क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या कुछ उसके सियासी मायने फ्यूचर में हो, और क्या कुछ ये बीजेपी का कहीं सेल्फ गोल तो नहीं हो जाएगा, समझेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, दिया कुमारी का जो बयान था, क्योंकि बेहतर तरीके से वो आपने सुना और समझा है, और उसका सेल्फ गोल बीजेपी का, बीजेपी का गोल सेल्फ गोल इस मुद्दे पे है। आप देखिए ना, एक इंटरव्यू विदेश में बैठकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा देते, उत्तर भारतीयों के लिए किसी किसी देश से सब जुड़े। लेकिन मुद्दा यहाँ क्या बना हुआ है, ये मोदी क्या बोल रहे हैं कि शहजादे के अंकल जी चमड़ी का रंग देख रहे हैं। ये लोकसभा देश के सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ा लोकतंत्र के महापर्व, इसमें जब मैं अभी दिया कुमारी के बयान पर नहीं आता हूं, आप देखिए रिप्रकर्शंस कितने बड़े हो जाते हैं। नरेश अग्रवाल और मणिशंकर अय्यर चाय बेचने वाले बयान पर क्या कहते हैं, पीएम मोदी एक समय बताते हैं कि जनसभा में 14 में कि मैं वडनगर स्टेशन पे चाय बेचता था। इन नेताओं ने क्या किया कि ये नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता, चाय बेचने वापस चले जाएंगे, सब हो गया ना जी सर, काम खत्म हो गया। 14 का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, 19 का रिजल्ट उठा के देखिए, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चला ना राफेल। मोदी ने क्या किया, अपने ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया पे लिख लिया और पूरी बीजेपी ने लिखी। इसी बार देखिए जब लालू यादव ने उनके परिवार पर सवाल उठाए, उन्होंने मोदी के परिवार लिख लिया, रिजल्ट क्या होगा देखिए। दिया कुमारी जो बोल रही थी वो अगर पूरा सुना जाए, लेकिन नेता का भी पूरा, नेता का पूरा बयान कहीं नहीं लिया गया। मैं यही बताता हूँ, परसेप्शन और नैरेटिव, और जो अपोजिशन है उसने यही नैरेटिव पकड़ा है, ये संविधान बदलेंगे। ज्योति मिर्धा ने बोला नागौर में चुनाव के दौरान कि हम 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि संविधान बदल ही जाएगा और 400 में आप वो चीजें लाएंगे या गलती लाएंगे। वो यही ज्योति मिर्धा से भी पूछे तो यही कहेंगे हम तो ये कह रहे हैं जो काम नहीं हो पाए हैं, अगर संविधान बदल कर भी ला सकते हैं, अगर मान लीजिए UCC लागू करना है तो पूरे देश भर में, तो अगर कोई संविधान उसमें बनाया जाएगा ना कि कोई लॉ पास किया जाएगा तो उसके लिए 3-4 चाहिए, तो वो कह रहे हैं। लेकिन क्या मुद्दा क्या बनाया हुआ है विपक्ष ने,
कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। संविधान क्या बदला नहीं गया? नहीं, आप काउंटर कर। और बीजेपी को इस पिच पे जाना पड़ रहा है। अमित शाह को बोलना पड़ा कि जब कोई नहीं बदल सका तो पीएम मोदी की भी क्या विसात है बदले। मतलब आप सोचिए, इसकी सफाई देने के लिए उनको खुद इसी राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सभा में कहा कि भाई संविधान तो अंबेडकर भी नहीं बदल सकते। इसी राजस्थान, और उसी राजस्थान में बता रहे हैं कि ये आ गए तो सम्मान संविधान बदल कर ये आपकी प्रॉपर्टी ले लेंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। राजनीति में यही होता है। ऐसा तो नहीं कहा था सैम पित्रोदा ने वेल्थ पर टैक्स लगाने की बात, इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात कही थी, लेकिन ये चुनाव था, उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा ये देखो ये करने जा रहे हैं। अच्छा, सोशो इकोनॉमिक सर्वे की बात जो उसमें है वो तो एक उन्होंने इसके लिए किया कि भाई पता चल जाए कि आदिवासियों किस स्थिति में है, कितना पैसा है, क्या है क्या नहीं है, आप सुधार सकते हैं। वहां पे वो संविधान बदल गई तो सुधारे ही कुछ, लेकिन बीजेपी को क्या अच्छा लगा कि अरे ये तो मंगलसूत्र बेच लेंगे। तो राजनेता दिया कुमारी ने ये सेल्फ गोल किया। अब मैं आपकी बात पे आ जाता हूं। उन्होंने क्या कह दिया, हाँ भाई संविधान तो बदलने पड़ेगा, कई काम करने। इस समय ये एक ऐसा वर्ड है कि आपने बोला नहीं कि आप सुप्रिया श्रीनेत से लेके सबने उस पर रगड़ दिया, और अब इस समय आप ऐसे डालिए दिया कुमारी तो एक ही आता है कि वो संविधान बदल लें। अब वो उस लीग के नेताओं में खड़ी हो गई जो बीजेपी के, अनंत हेगड़े का टिकट काट दिया मैसूर से बीजेपी ने, जिन्होंने सबसे पहले अपने कहा था कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, जो ये दिया कुमारी लास्ट है जी। अभी लास्ट नहीं, अभी तो सर अभी चार चरण आप देखिए ना। और मैं ये क्योंकि प्योर राजनीति, मैं इसको राजस्थान के दायरे में मत मानिए। राजस्थान में तो दो चरण हो गए, अगला सवाल आपका होगा कि कहाँ, लेकिन वो स्टार कैंपेनर है, वो हिमाचल में वोट मांग रही है। ये जब ये सेंस चला जाता है ना तो, और दिल्ली में इसका फर्क, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में जो कन्हैया कुमार है वो संविधान की कॉपी लेके, वो तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के नेता छोटी सी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूम रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये सोशल मीडिया कितना क्या बना देता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, शायद ही किसी भी पार्टी का जो 400 भी जीतने जा रही उसका भी पार्टी का कोई सुन लेता है ये क्या वादे किए, कोई भी डाउनलोड करके उसका वो आपको देखने नहीं जाएगा कि आपने क्या वचन पत्र बनाया है, संकल्प पत्र बनाया है या न्याय पत्र बनाया है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। और इन्होंने कांग्रेस को जैसे ही राजस्थान में कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये है, मतलब करोड़ों नंबर्स में वो डाउनलोड करके लोगों ने देखा है। तो जो प्रचार प्रसार नहीं पहुंच पाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप हो सकता है एक छोटी जगह बैठ के कह रहे हो, वो एक बात उनसे चल रही थी कि आर्थिक कैसे सुधारेंगे, आपको नंबर 3 बनना है इकोनॉमी, वो बता रही थी कि ऐसे टैक्सेस का ये करेंगे वो करेंगे। दिया कुमारी के मुँह से बात क्या पकड़ी गई, 400 हमें इसलिए चाहिए नंबर क्योंकि हमें संविधान बदलना। अरे जो 414 लाए थे वो भी संविधान नहीं बदल पाए, जो 84 में संविधान वाकई में कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन सर अब उन्होंने तो कहा है और विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया है। यही और यही जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो मालूम है सबसे पहले कौन आएगा, अनंत हेगड़े ने कहा, इन्होंने कहा आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कहा ये सब, और नहीं हुआ तो पकड़ा जाएगा कि अच्छा क्या कर दिया था सैम पित्रोदा ने, सबसे पहले इनहेरिटेंस टैक्स बोला, इसका असर गया राम मंदिर। क्योंकि जो हम जो ये एनालिस्ट बिरादरी है ना जिसकी कहते हैं, अच्छा सर अगर हम 24 के फाइनल छोड़ देते हैं, 4 जून का छोड़ देते हैं, हम राजस्थान पे आते हैं, मतलब राजस्थान के 4 जून पे अगर हम बात करें तो देखिए सीटें जा रही हैं, ये नहीं ये अमित शाह जी कह रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, हम अमित शाह जी के बयान की बात कर रहे हैं जब उन्होंने कहा कि भाई 102 सीटों का नुकसान है, हम उसी बयान से शुरुआत कर रहे हैं कि उन्होंने कहा 102 सीटें जा रही हैं। सर्वेस कह रहे हैं 5 से 6 सीटें, 7 सीटें,
वो फलौदी का मार्केट हो या सर्वेज हो, हमने जो आकलन किया है उसमें 10+ का वो आ रहा है, और इन सब समीकरण ये जो 10+ आ रहा है वो अंबेश जी का है, TV9 का नहीं, नहीं वो अंबेश जी को मैं बता दूं, ये TV9 राजस्थान का भी आकलन कह सकते हैं कि इनका मानना है कि 10-12 सीटों पे तगड़ी लड़ाई है, यहाँ पे क्लोज मार्जिन से कोई भी किधर जा सकता है। सर अब लेकिन मैं हम लोग इसके उस पर आ रहे हैं कि अगर ये सब हो रहा है समीकरण, तो उसमें चर्चा ये आ रही है कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी, कैबिनेट बदली जाएगी। मैं वापस वो दिया कुमारी के उसी संविधान वाले बयान को ही यहाँ रखूँगा, दिया कुमारी भी उस लिस्ट में है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर इन लोगों को प्रभार दिया गया है वहाँ वहाँ की सीटें जो जाती हुई दिख रही हैं। तो क्या जो मंत्रिमंडल में बदलाव या फिर जो मुख्यमंत्री में बदलाव या फिर ये दिया कुमारी मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज थी, मतलब एक मन में टीस थी, मुझे ऐसे लगता कुछ समीकरण, ये बहुत जल्दबाजी है अगर वो ऐसा सोचती हैं। आपका सवाल दुरुस्त है, आपके सवाल को वैसे मैं हमेशा काट के छोटा करके बोल देता हूँ, सवाल महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन ये होड़ मालूम क्या होती है कि जरा हम भी गुड बुक में आ जाए, उसी में आदमी ज़्यादा बोल जाता है। और शायद दिया कुमारी को भी आप देखिएगा जिस तरीके से आप टीवी नाइन राजस्थान उठा रहा है, मुझे लग रहा है कि अगले 48 घंटे में दिया कुमारी ये तो कहती मिल जाएंगी कि आप मेरा पूरा बयान समझिए सुनिए तो आपको समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं। आपने मैं मुझे एक चैनल, मैं उस चैनल का नाम नहीं लूँगा सर, मैं एक चैनल में था, ये बात है 2018 की, और उस वक्त जो राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं वो केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करते थे, और वहाँ से प्रेशर आता था उनकी खबरें चलाने का। अब क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्री नहीं है तो नहीं कर, मतलब ऐसा ऐसी अफवाह है ऐसी कही जाती है। सुनिए मैं उसका वो बता रहा हूँ, और नतीजा क्या हुआ कि वो उसके बाद जब दोबारा 19 में आए तो फिर मंत्री बन नहीं रहा सर। मैं 18-19 के बता रहा हूँ, वो किसी सरकार का नहीं होता है, एक मालूम है कुछ चीज़ें नेचुरल लॉ ऑफ कोर्स फॉलो करती हैं, अगर आप सही काम करेंगे तो आप जीतते जाएंगे, आप कहीं भी हों। आप सुनते हैं ना कि 10-10 बार के मुख्य सांसद हैं, 11 बार के विधायक हैं, तो उनको मालूम है मूल उनको जीतना कहाँ है। और जो कभी आप देखिए सबसे ज़्यादा आता है, आप आंकड़े नहीं देखे हैं कि नहीं देखे हैं, हमेशा आएगा कि 40% नए सांसद आए हैं पहली बार। जी सर, ये थिंकिंग होती है वोटर की, आप नहीं बता सकते हैं यहाँ नया जीतेगा कैंडिडेट, वहाँ कहीं पार्टी चेंज कर देती, कहीं कुछ जनता चेंज कर देती। वो एक जो वोटर होता है वो कहता है ठीक है ये नए आए हैं, और हमेशा कहा जाता है ना नया आदमी कुछ नया बताएगा, नया बताएगा, ये नया करके दिखाएगा। वही काम आप कर रहे होते हैं, वही जब कोई दूसरा आता है तो उसको बड़ा उससे लाया जाता है, नहीं 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 ये आई है, घर की बहुओं के बारे में ज़्यादा कहा जाता है, बड़ी बहू हमेशा वो कहेगी कि कोई नया आया है। तो ये सियासत है, इसमें आप जो भी बोले तोल मोल के बोल। तो अब दिया कुमारी का आने वाला समय इस बयान के बाद से आपको क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा? ये अब इसकी चर्चा बीच में अगर ये भी कह दिया बुला के और खबर चल गई कि मोदी जी ने बुलाया, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम हुई थी जिसपे हम लोगों ने बीते दिनों चर्चा करी थी सर, मोदी वाला होगा, मोदी जी वाला रह गया, ये बुला लिया गया इनको, अभी कुछ नहीं, 4 जून को रिजल्ट आएगा, हिसाब हर चीज का होता है, टाइम। चलिए महारानी तो खैर वैसे ही राजस्थान में किनारे कर दी गई थी बीजेपी के द्वारा ऐसा कहा जाता है, और उसके नतीजे के तौर पर देखा जाता है कि राजस्थान में माना जा रहा है कि भाई महारानी के साइडलाइन होने से जो बीजेपी को 4-5 सीटों पर हानि होती दिख रही है। अब महारानी साइडलाइन बीजेपी ने किया है, लेकिन राजकुमारी के इस बयान से क्या बीजेपी साइडलाइन होगी? क्योंकि अभी 4 चरण के मतदान 23 में बाकी हैं, विपक्ष लगातार, मैं एक बात बीच में काट रहा हूं जो अम्बेश को नहीं पसंद आएगी, ये हो सकता है अब उनके दौरे कम हो जाएं, जो वो स्टार प्रचारक हैं
वो कुछ और काम सौंप दिए जाए, ये हो सकता है। चलिए, खैर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ असर 4 जून के बाद होगा वो तो खैर बहुत सारे सर्वेज आ रहे हैं, लेकिन अब ये जो बयान की बात हुई है तो इसका भी क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, 4 जून के बाद नतीजे क्या कुछ बदलाव लाएंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल चैनल को जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने लोग हैं वो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।